हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ माय फर्स्ट डेली ब्लॉग। आज से मैं अपना डेली ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। तो आज है संडे, तारीख है शायद 30 अप्रैल। यस, तारीख है 30 अप्रैल। तो अभी आज बहुत काम था, सब कुछ करके नहा धोवा के अभी मैं आ गई हूँ। ये देखिए कपड़े ही कपड़े हैं छत पर, मैंने अभी डाले हुए हैं। और अभी मैंने तुरंत सारे कपड़े धो करके छत पर डालने के लिए आई हूँ। अब मैं जाऊँगी नीचे। पतिदेव गए हैं बेटी को नाश्ता कराने, आज उसका मूड था डोसा खाने का, बोल रही थी कल तुम लोग खाई तो मुझे भी खिला, तो उसको लेकर गए हैं। अब वो लोग आएंगे, तब तक मैं पूजा करूँगी, तो फिर मैं भी नाश्ता करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गया हमारा पूजा पाठ। अब जो है हम लोग बज चुके हैं 12 बज चुके हैं, तो हमने सोचा खाना नाश्ता एक साथ ही कर लिया जाए। आइए देखिए, आप लोग को दिखाती हूँ। इन्होंने लाया था इडली और बड़ा, और मैंने बनाया था रोटी और आलू पपीता का सब्जी। तो सब कुछ लेकर बैठ गए हैं, आप मत बोलिएगा इतना खा रही है, क्योंकि हम और मेरे हस्बैंड और बच्चे सभी लोग खाएंगे इसी में। तो देखिए शर्माते हैं ये कैमरे के सामने। आ जाओ दोस्तों, आप लोग दिखाओ। चलिए अब हम खाना खाते हैं, तब उसके बाद मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स, बन चुकी है मेरी चाय, देखिए कड़क चाय। किस किस को पीनी है, आ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। तो 4 बज चुका था इसलिए मैं मैगी बना रही थी, क्योंकि काफ़ी जल्दी इन लोगों को भूख लगी थी। ये हो गई हमारी मैगी तैयार, देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी थी, बच्चों ने बहुत स्वाद से खाए। ऐसे तो मैं इसमें मटर, धनिया पत्ती वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, हम उनके लिए बना रहे थे इसीलिए। शाम के बज रहे हैं, आई थिंक शाम के बज रहे हैं 5। देखिए कितना अच्छा वेदर हो रखा है, वाह, बहुत अच्छा वेदर है गाइस। देखिए आई हूँ मैं कपड़ा उठाने, जो मैंने सुबह डाले थे। कितना अच्छा लगता है अगर ऐसा वेदर हो तो। मुझे तो लगता है बारिश होने वाली है, यहाँ पर आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है छत पर अगर अच्छा वेदर हो, अच्छा मौसम हो। चलो कपड़े उठाते हैं। दोस्तों, बज चुके हैं शाम के 6 और मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। डिनर में बना रही हूँ मैं रोटी और आलू और परवल की सब्जी, भुजिया बना रही हूँ। तो देख, तो देखिए ये कैसे शर्मा रहे हैं, कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। इनके ड्रामे देख लीजिए। तो दोस्तों, बनके तैयार हो गई हमारी रोटी और हमारा आलू और परवल का भुजिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, किस किस को खाना है। तो फ्रेंड्स, दैट द एंड ऑफ द ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड माय मामास चैनल एंड कमेंट डाउन। एंड मेरा भी एक चैनल है Sophie609, उसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मज़ेदार वीडियोज आने वाले हैं। ओके, बाय बाय। और मेरे से जो भी मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं न्यू हूँ तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो वाजिब है। अभी मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया है और ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।